अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सैमसंग गैलेक्सी A10 की अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग मैं पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा से अनबॉक्स करके आप लोगों को चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती। जैसे कि एक सील यहाँ है, एक सील यहाँ है और एक मेन ऑफिशियल प्रोडक्ट का यहाँ पर टैग है। ये सेट मुझे पड़ा है 20,000 रुपये का, जिसके साथ दुकानदार ने मुझे एक प्रोटेक्टर और बैक कवर दिया है। ये सैमसंग की ऑफिशियल शॉप है, ये साइमर ड्राइव इन गूगल जौहर मोड़ के अपोजिट जो मोबाइल शॉप है, मोबाइल मार्केट है, वहाँ सैमसंग की दो ऑफिशियल शॉप हैं, एक फ्रंट पे और एक अंदर में गली में जाके आई मोबाइल के नाम से। आइए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रहा हमारा सैमसंग गैलेक्सी A10। इसके साथ ही इसके अंदर लैपटॉप होता है, जब आप लोग अनबॉक्सिंग करेंगे अपनी न्यू सेट की तो ये साथ आएगा। उसके बाद ये है सैमसंग का, इसके अंदर वारंटी कार्ड है, ये हमारा वारंटी कार्ड, ये हमारा सैमसंग गोल्डन मेंबर कार्ड। ये कार्ड बहुत सारे दुकानदार डब्बे से निकाल लेते हैं, तो आप लोग ये चीज़ नोट करेंगे जब आप डब्बा ख़रीदने जाएँ, न्यू सेट ख़रीदने जाएँ डब्बा पैक, तो ये कार्ड लाजमी इस सेट पे मोबाइल के यहाँ पे या यहाँ पे ऐसे लगा होगा। अगर ये नहीं लगा हुआ तो समझ जाएँ कि आपका मोबाइल ऑलरेडी खुला हुआ है या ये ओरिजिनल नहीं है। इसके साथ हम सैमसंग के एक्सेसरीज देख लें। एक ये चार्जर है, एक ये डाटा केबल है, एक हैंड फ्री है और एक सिम निकालने की पिन है। इसके साथ इसके अंदर हमें क्या नाम है जो मिला है, ये है इसका बैक कवर और इसके साथ स्टार्ट गाइड, ये उर्दू में और ये हमारा वारंटी। तो दोस्तों सैमसंग के बारे में इसके साथ इस सेट के बारे में बताऊंगा। ये सेट तीन हिस्सों में आया है, एक ये रेड कलर में, एक ब्लू कलर, एक डार्क ब्लू कलर में और एक लाइट ब्लू कलर में। अगर आपको इसको अगर रीसेल करना है तो मैं बोलूँगा इस कलर में लें, वरना रेड और ब्लू कलर में भी ले सकते हैं। सैमसंग और बाकी कंपनीज में हम लोग बातें करते हैं कि क्या नाम है, दूसरी कंपनी इसी प्राइस में अच्छा सेट दे रही हैं या बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही हैं, तो ठीक है दे रही है, लेकिन सैमसंग की जो पायदारी है और जो लोग सैमसंग का मोबाइल यूज़ करते आ रहे हैं उनको ये बात मालूम होगी कि सैमसंग की जो पायदारी है वो दूसरे सेट्स में नहीं है। दूसरे सेट्स में साल में या छः महीने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, लेकिन सैमसंग वो वाइट कंपनी है, वो वाइट प्रोडक्ट बना के दे रही है जिसमें आपको ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। ये सेट दोस्तों मैंने लिया है 24 तारीख से लेके अभी तक मैंने इसको एक बार भी चार्ज नहीं किया। मैं इसको यूज़ भी किया है, इसका वाईफाई भी लगाया है, वाईफाई भी इसमें ऑन किया है, इसके साथ साथ अपडेट भी चलती रही है। एक अपडेट इसकी ऑलरेडी आई हुई है और इसका अभी से इसका बैटरी गिरी है 37%। जब मैंने ख़रीदा था तो इसकी बैटरी 54 या 55 के करीब कुछ थी। ठीक है, अब सैमसंग गैलेक्सी में A10 आ रहा है, A20 आ रहा है, A30 आ रहा है, A50 भी आ गया और अब A70 भी आ गया है। इन सब चीज़ सेट में एक खासियत है, सबका फ्रंट सेम है, तो इससे हम लोग का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर हम लोग कहीं भी ये सेट यूज़ कर रहे होंगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि हम लोग A10 यूज़ कर रहे हैं, A20 यूज़ कर रहे हैं, A30 या A50 या A70। पता चलेगा बैक से, बैक में यहाँ पे ड्यूल कैमरे आ जाते हैं या ट्रिपल कैमरा आ रहा है, या फ्रंट पे यहाँ पे कहना में एक फिंगरप्रिंट का वो आ जाता है जिससे हम लोग बंदा अंदाजा लगा लेता है कि यार A20 है या A30, A50, A70। A10 में इतना कुछ नहीं है, लेकिन A10 इस कीमत में आपको 30GB मेमोरी दे रहा है, 32GB मेमोरी दे रहा है, 2GB रैम दे रहा है। इसके अंदर आप 512 तक का एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, सुपर एक बड़ी स्क्रीन आपको ये सेट दे रहा है। तो इस प्राइस में हमें और कुछ चीज़ें सैमसंग से एक्सपेक्ट करनी नहीं चाहिए, इतना कुछ 20,000 में मिल रहा है और क्या चाहिए आप लोगों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को सैमसंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। सैमसंग कंपनी आपको एक पायदार सेट देती है जो बाकी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती हैं। दूसरी कंपनी चीज़ें तो बहुत सारी मोबाइल में डाल देती हैं, लेकिन वो उसको पायदार रखने में या उसको बरकरार रखने में नाकाम हो जाती हैं, लेकिन सैमसंग कम दे रहा है लेकिन अच्छा दे रहा है, जो आपको एक अरसे तक ये मोबाइल चल के देगा। मैंने सैमसंग गैलेक्सी के बहुत सारे सेट यूज़ किए हैं, 2-3 साल यूज़ किए हैं और रगड़ दिए, लेकिन मुझे उसके अंदर ना कहीं बैटरी इशू आया, ना चार्जर का इशू आया, ना स्क्रीन का इशू आया। बहुत सारे मोबाइल का स्क्रीन रेजोल्यूशन ख़राब हो जाता है, कलर्स ख़राब हो जाते हैं, लेकिन सैमसंग में मुझे आज तक कभी कोई ऐसा इशू अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।